नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल भर्ती की बात करेंगे। लेखपाल भर्ती अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। 7 साल के बाद ये विज्ञापन आया और अभ्यर्थी कई सालों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और इतने ज़्यादा अभ्यर्थी बेरोजगार हो गए हैं कि 19 लाख स्टूडेंट्स जो है लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करते हैं। आवेदन कहाँ पर करते हैं? पेट में आवेदन करते हैं। पेट क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद ही लेखपाल भर्ती के फाइनल एग्ज़ाम में जा सकते हैं। और लेखपाल भर्ती की फाइनल एग्ज़ाम में जाने के लिए पेट के बाद काफ़ी अरसे के बाद इसका जो रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आने में अब जो पेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं कैसे क्वालिफाइड होंगे, इन्होंने कट ऑफ का क्राइटेरिया रखा, जो कि कट ऑफ का क्राइटेरिया जो पूरी तरह से गलत है। 20% लेंगे, 20 गुना लेंगे, 30 गुना लेंगे, कितने गुना भी ले ले, लेकिन इससे सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाला है। जैसे शिक्षक भर्ती के लिए टेट परीक्षा पास करना होता है, सी टेट परीक्षा पास करनी होती है, एक पासिंग मार्क रखा जाता है, उसके ऊपर जितने स्टूडेंट नंबर ले आते हैं वो पास माने जाते हैं और वो आगे आने वाली किसी भी भर्ती में बैठ सकते हैं। उसी तरीके से पेट में भी नियम लागू करना चाहिए था कि इतने नंबर अगर आप लेके आते हैं तो आप पेट परीक्षा पास माने जाएंगे, आप किसी भी भर्ती में बैठ सकते हैं जो पेट के माध्यम से होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने भर्तियों के सापेक्ष 20 गुना 30 गुना बुलाने वाला सिस्टम यहाँ पर रखा और उससे कट ऑफ जारी करने की बात की। इससे क्या होगा कि सबसे बड़ी भर्ती जो आएगी उत्तर प्रदेश कि जो यूपी ट्रिपल एससी से जो सबसे बड़ी भर्ती आएगी, 8000 पदों की लेखपाल की भर्ती आई है, इससे बड़ी भर्ती संभवतः शायद कोई नहीं आएगी, बाकी भर्तियां कम आएंगी। तो 8000 छात्र, 8000 पदों पर भर्ती के लिए 2,75,000 छात्र केवल क्वालिफाइड किए गए हैं 19 लाख छात्रों में से, तो यही 2,75,000 छात्र ही बाकी सभी भर्तियों में जाएंगे, बाकी के छात्र बिल्कुल बाहर हो गए। अब बात करते हैं, देखिए छात्रों के विरोध की, छात्र विरोध बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जब इस तरह की जो है तानाशाही रवैया रहेगा सरकार का तो छात्र विरोध करेंगे। छात्रों ने विरोध किया, कल ट्विटर पे ट्रेंड करा दिया अपने इस कट ऑफ वाले मुद्दे को लेकर, लेखपाल भर्ती का ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड हुआ। और आज यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारे छात्र गए थे, हालांकि संख्या जो थी वो कम थी, लेकिन फिर भी छात्रों का हौसला ज़बरदस्त देखने लायक था। सचिव जी को इन्होंने ज्ञापन दिया, सचिव जी ने भी आश्वासन दिया है कि आपकी बात को हम मीटिंग में रखेंगे, आगे कुछ समय बाद होने वाली एक मीटिंग होने वाली है कुछ दिनों बाद, उसमें इस मुद्दे को रखा जाएगा और आपकी बात सुनी जाएगी। तो इस यह कोई बहुत ठोस जवाब नहीं है, हालांकि छात्रों ने प्लान किया है कल 10 मई को CM साहब से मिलने का और उनको ज्ञापन देने का। तो छात्र कल ज़्यादा संख्या में कोशिश करेंगे कि CM साहब से मिलके उनको ज्ञापन दिया जाए और इसका जो कट ऑफ है वो कम से कम 50% होना चाहिए था, इससे ज़्यादा कट ऑफ रखना जो है छात्रों के साथ थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि अगर पेट में आप 50% नंबर ला रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा में तो आप एलिजिबल होने चाहिए किसी भी प्रकार की मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की सारी भर्तियाँ आप पेट के माध्यम से होंगी और 2021 के पेट का एग्ज़ाम हो चुका है, 2022 के लिए फिर तैयारी करेंगे और यही छात्र जो इस बार ज़्यादा नंबर लाए, यही मैक्सिमम यही छात्र रहेंगे जो फिर दोबारा ज़्यादा नंबर लाएंगे, जिनके नंबर कम थे उनको काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा और अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आपका यह परिश्रम सफल हो और आपका जो है पेट का कट ऑफ कम किया जाए, लेखपाल भर्ती आपको देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेखपाल भर्ती से संबंधित अन्य जानकारियां बहुत सारी हैं, आगे आने वाले वीडियो में शेयर करेंगे। जो छात्र कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं उनको तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। धन्यवाद।